नमस्कार किसान भाइयों, सुमिटोमो कंपनी का डेनिटॉल फिन प्रो पेथ्रिन 10% ईसी ये टेक्निकल कंटेंट होता है। इस कीटनाशक के माध्यम से कौन से कीट को नियंत्रित किया जा सकता है, इसका किन फसलों पर इस्तेमाल करना चाहिए, इसका सही डोज क्या है, इसकी बाजार में लगभग कीमत कितनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर डॉक्टर समाधान आपका आपके किसान समाधान टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, डेनिटॉल ये कीटनाशक अपनी कपास में गुलाबी सुंडी की बड़ी समस्या है, तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी की समस्या से निपटने के लिए ये जापान का एक नया टेक्निकल डेनिटॉल है जो गुलाबी सुंडी को ख़त्म करता है, जिससे कपास की गुणवत्ता बढ़ती है और अच्छा रेट मिलता है। डेनिटॉल गुलाबी सुंडी पर अच्छा नियंत्रण करता है और ये पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित है। इसे आप 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, कॉटन की फसल में वर्ग और पुष्प अवस्था पर स्प्रे करें। किसान भाइयों, वर्ग और पुष्प अवस्था पर हर 15 दिन में डेनिटॉल के 3 स्प्रे जरूरी है। किसान भाइयों, पहला स्प्रे आप 40 से 50 दिन के बाद ले सकते हैं, दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 15 दिन के बाद और तीसरा स्प्रे दूसरे स्प्रे के 15 दिन के बाद आपको करना चाहिए। कपास की फसल में डेनिटॉल के कम से कम 3 स्प्रे जरूरी है। किसान भाइयों, कपास में गुलाबी सुंडी के आक्रमण की अवस्था देखें तो ये वो स्टेज है जहां पिंक बॉलवॉर्म मतलब गुलाबी सुंडी को डेनिटॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि एक बार इस स्टेज को अनदेखा किया जाए तो पिंक बॉलवॉर्म मतलब गुलाबी सुंडी कॉटन बॉल में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद पिंक बॉलवॉर्म मतलब गुलाबी सुंडी के नुकसान को नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। किसान भाइयों, बात करें इसके डोज की तो 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, 25 से 30 ml प्रति 15 लीटर पानी के पंप के साथ इसको घोलकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें इसके कीमत की तो इसकी 500 ml की बॉटल लगभग आपको 250 रुपये के आसपास बाजार में उपलब्ध हो सकती है। किसान भाइयों, बात करें दूसरे एग्रोकेमिकल्स को इसमें मिलाने की तो अधिकांश रासायनिक एग्रोकेमिकल्स के साथ ये आप मिला सकते हैं। किसान भाइयों, कोई भी एग्रोकेमिकल्स एक दूसरे में मिलाने से पहले आप कृषि विशेषज्ञ या कृषि दुकानदार की सलाह जरूर लें। डेनिटॉल कीटनाशक जो कपास पर सुंडी के नियंत्रण के लिए प्रभावी नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, बात करें प्रति एकड़ के डोज की तो 350 से 400 ml प्रति एकड़ क्षेत्र में 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, कपास की पिंक बोलवॉर्म, चित्तीदार बोलवॉर्म, अमेरिकन बोलवॉर्म इन इल्लियों को ये ख़त्म कर देता है। किसान भाइयों, इस कीटनाशक का आप अपने कपास की फसल में पिंक बोलवॉर्म, अमेरिकन बोलवॉर्म, स्पॉटेड बोलवॉर्म इन जैसे इल्लियों को नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं। या किसान भाइयों, आप इस कीट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर कमेंट करें। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने किसान भाइयों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। किसान भाइयों, ये पूरा वीडियो आपने आपका कीमती समय निकाल कर देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।